हाई एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल माई निमिका दिस इज ओ टू आई एस अकेडमी और आज मैं एच पी जी के का जो पोर्शन पूछा गया है एच एस के एग्जाम में सिक्सटींथ अक्टूबर को जो हुआ है वो आज हम उसका एनालिसिस देखने वाले हैं ओवरऑल अगर पेपर की मैं बात करूँ तो आई वुड पुट इट इन अ कैटेगरी वियर्ड वियर्ड पेपर था बट वही वाली बात आ गई अगर आपको सारे ही सवाल आ जाए जो जो आपने पढ़ाया वही आ जाए तो फिर सबका एग्जाम निकल जाएगा सो so, इस तरीके से हमें देखने को मिला अगेन क्वेश्चन पेपर में हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि आपने कभी ना तो सुनी होंगी ना तो कभी देखी होंगी ये पूरे पेपर की बात है एचपी के की भी बात ही है वो बस आपका मनोबल गिराने के लिए होती है कि जो आप काम कंपोज जो आपकी मेमोरी रिकॉल कर रही है ना वो बंद हो जाएगा जैसे आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि अरे मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता सो so, ये लेसन हैं जो हमें सीखने हैं आगे अभी आपने एन का एग्जाम भी देना है एच एस अगला एच एस भी फटाफट से जून में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो उसके लिए आंसर की की तरह नहीं यूज करना है इसको मोर लाइक like कि आप समझिए कि एचपीपीएसई किस तरीके से सवाल पूछता है और उसी के बेसिस पे अपनी तैयारी को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए ठीक है तो आ, सबसे पहले ट्रेंड की बात कर लेते हैं बीस से तीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ही एच एस में एनटी में आने वाले में पचास पूछे जाते हैं उसमें से तीन हिस्ट्री के ऊपर थे एचपीजी एच पी हिस्ट्री देन इज एचपी जोग्राफी पीपल एंड कल्चर एंड देन हमने क्या देखा कि बहुत सारे सवाल जो हैं यहाँ पर पूछे गए ये है आपका सर्वे सर्वे में से ढेर सारे सवाल पूछे गए थे और फिर एक दो जो है मिसलेनियस थे अगेन ये जो इकोनॉमिक सर्वे हैं नौ सवाल इसमें से आए हैं डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठा लिया गया था तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है लाइक दूसरी बार लाइन में पिछले साल भी बहुत सारे पूछे गए थे तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में सीरीज वाइज नहीं है अगेन मैंने जो है रैंडमली ट्वेंटी क्वेश्चन उनको ऐसे डाला है पहला सवाल पहले सवाल में पूछा गया था ये आपका जोग्राफी में से आता है पहला है कि धौलाधार रेंज जो है वो ब्रांच ऑफ करती है ग्रेट हिमालयन रेंज से बद्रीनाथ के पास में दूसरा था कि पीर पंजाल रेंज स्पीति रिवर का ब्यास के साथ में ड्रेनेज को सेपरेट करती है थर्ड वन वॉर्ज कि जास्कर रेंज इज द दर्दन मोस्ट रेंज जो कि स्पीति और कश्मीर को अलग करती है तिब्बत से और फिर आपका चौथा स्टेटमेंट कहता था कि गुमरांग और शोला रंग ये दो पासिस हैं विच कनेक्ट द बेसिस ऑफ बेसिन ऑफ रिवर चंद्रभागा बेसिन इन तिब्बत। सो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट इसका सही था यहां पर आपका सही आंसर था बी दैट इज तो सबसे एक एक करके देखते हैं धौलाधार रेंज की अगर मैं बात करूं अगेन इसमें मैप्स बहुत जरूरी हैं मैप्स हमने पहले भी किए थे मैप्स आप यहाँ पर हिमाचल का एग्जैक्टली exactly जानते हो कि धौलाधार अलग यहाँ पर जाती है ग्रेट हिमालयन रेंज अलग है और पीर पंजाल उसमें से बायफर्केट करती है लेकिन धौलाधार एकदम अगर हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो बद्रीनाथ से ऑलरेडी बायफर्कट कर जाती है ब्रांच ऑफ कर जाती है ग्रेट हिमालयन रेंज से फिर आता है दूसरा स्टेटमेंट कि पीर पंजाल सेपरेट करती है ड्रेनेज अगेन अगर आपको लोकेशन पता है तो यू विल नो कि यहाँ जैसे है यहां से आपकी स्पीति रिवर आती है और यहां पर ग्रेट हिमालयन रेंज है ना कि पीर पंजाल तो आपकी अगेन ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट करती है स्पीति के ड्रेनेज को ब्यास से पीर पंजाल भी करती है लेकिन वो रावी के से करती है राइट right? फिर थर्ड बिल्कुल सही था नास्कर है एंड द लास्ट वन इज गुम रंग एंड शोला रंग अगेन मैंने भी बहुत सारे पासिस करवाए लेकिन इनको इग्नोर कर दिया सो so ये वो वाले पासिस हैं जो मे बी आपने ना सुने हो ये इनकरेक्ट है लेकिन इन रिवर चंद्रभागा नहीं होगा ये होगा सतलुज रिवर का बेसिन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था अगेन uh, हमें बहुत सारे मैचिंग देखने को मिले और स्टेटमेंट वाइज इस तरीके के सवाल थे इनकरेक्ट और करेक्ट का भी बहुत सारा यूज किया गया था तो यहां पर इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया है आई बी ऑनेस्ट हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। इसको करने का तरीका था डिडक्शन अगर आपको एक पता है कि सोर्स ऑफ पार्वती रिवर कहाँ है तो ये बिल्कुल सही है मानतलाई लेक से आती है तो यहां पर दैट इज फोर्थ आपका सही हो गया फोर्थ किस किस में है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ये कट गया ये कट गया ये कट गया तो आपका एक ही आंसर बचा हैंस दी करेक्ट आंसर बिकम टू ओनली तो लेकिन उसके अलावा भी मैं बता देती हूँ आपको बहादुरपुर और बंदला रेंजेस कहाँ पर है बिलासपुर में बिलासपुर को हम सतधार कहलूर कहते हैं उसमें ही सात धारों में से दो ये हैं और ये एक वैली बनाती हैं इसको देमी वैली या दानविन वैली कहा गया है मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने तीन वैलीज बताई थी बिलासपुर की एक थी सतलुज वैली एक थी चौंता वैली और फिर आपकी एक थी वन दानविन वैली जिसको देमी वैली भी कहा जाता है दूसरा है धारती और मारकंडे रेंज जिस हमने बहुत बार पढ़ा है क्योंकि सिरमौर की जब जब भी सुरमौर पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि यहां पर कियारदा दून वैली है दून और सपरून वैली सोलन में है देन आपका लेक अगेन ये आपकी कुंजुम रेंज में है इसी की वजह से आपका सही आंसर डी बन जाता है फिर अगला सवाल देखते हैं अगेन थोड़ा सा ये यह टफ यहां पर था डायलेक्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली पूछा गया था पहला था कि जी ए ग्रेसिन ही वॉज द वन जिसने कहलूरी को कहा था ये ऑफ शूट है पंजाबी की फिर आ गया किन्नौरी जंगराम मिक्सचर इट इज़ अ डायलेक्ट यूज इन रक्चम एंड चितकुल विलेजेस ऑफ सांगला तहसील तीसरा था कि जो रामपुर शहर कुमारसेन और कोटगढ़ यहाँ पर जो डायलेक्ट बोला जाता है उसको कोची कहते हैं एंड द लास्ट वन वॉज कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी उन्होंने ये कहा था कि पहाड़ी लैंग्वेज दर्दी और पिशी से निकलती है सो so, यहाँ पर पहले तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे लास्ट वन वॉज अगेन इनकरेक्ट लास्ट क्यों है आपका इनकरेक्ट तो यहाँ पर हमें दो स्कूल देखने को मिलते हैं लाइक हम कह सकते हैं कि ये जो भी लैंग्वेजेस को पढ़ रहे थे इसमें दो अलग अलग स्कूल्स हैं पहला है जॉर्ज इब्राहिम ग्रिंसन इनकी किताब का नाम द लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने कहा कि जो जितने भी शिवालिक स्टेट्स हैं हम पंजाब हिल्स इनको कहते हैं कांगड़ा ये सब बड़े लेट जाके ये हिमाचल का पार्ट बने हैं और इनका कल्चर भी बहुत पंजाब के साथ में मिक्स करता है तो बाद में इसको पहाड़ी लैंग्वेज बोला गया था लेकिन उन्होंने इसमें लिखा था कि ये दे आर वेरी क्लोज़ टू पंजाबी लैंग्वेज और इन्होंने कहा था कि ये लैंग्वेजेस दर्दी और पिशी से आती हैं एज जो दूसरा स्कूल में बोल रही हूँ अलग से वो कहते हैं कि ये आती है आपकी शौरासेनी नगर अपा तो ये ना ब्रज भाषा है जो मध्य प्रदेश में एंशियन टाइम्स में बोली जाती थी और बहुत जगह जो हिस्टोरियंस हैं ये भी बोलते हैं कि हिंदी भी इसमें से निकली पंजाबी भी इसमें से निकली वैसे जब हम पहाड़ी लैंग्वेज की बात करते हैं तो दो हमें लोग यहाँ पर देखने को मिले इन्होंने कहा कि ये आपकी दर्दी और पिश्ची से निकली और इन्होंने कहा कि ये आपकी वो ब्रज भाषा जो है उसमें से निकली एंड ये जो है बिल्कुल सही था कोची डायलेक्ट बोला जाता है यहाँ पर फिर हमारा अगला सवाल अगेन ट्रिकी वन अगर आपके आपके पास में चार स्टेटमेंट है ना तो आपका मल्टीपल पैरामीटर्स ऑलरेडी होते हैं आपको एक एक को सही करना होता है ठीक तो था। था कांगड़ा दूसरा था मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज क्यांगन इज बुर्रा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ मंडी एंड द लास्ट वन पीपलस्ट पीपल ऑफ लाहौल एंड स्पीति किन्नौर परफॉर्म मास्क डांसेस तो Uh, एक एक करके अगर मैं नीचे से शुरुआत करूं जैसे मैं करती हूं दैट विल बी कि सही क्या क्या है उसको काट लो सिंस इनकरेक्ट पूछा है तो लास्ट वाला बिल्कुल सही है कि नोर और स्पीति में किए जाते हैं इनको मास्क डांस कहते हैं छाम भी कहते हैं और बहुत सारे डांसेस हैं और बुद्धिस्ट कम्युनिटी में किए जाते हैं इसकी बहुत सारी फोटोज हमने देखी थी फिर सेकेंड ये जो बुरा है ये बिल्कुल इनकरेक्ट यहां पर है क्यों है इनकरेक्ट क्योंकि बुरा सिरमौर का है और ये मैंने आपको कैसे दिखाया था मुझे एक ये स्क्रीन लेना पड़ा था डांस से क्योंकि ये हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता अगेन तो इस तरीके से ये आपका बुरा डांस है मंडी का नहीं था किसका था सिरमौर का <coughs> तो थर्ड तो हो गया यहाँ पर इनकरेक्ट तो या तो ये ये है ये है ये है अब देखना है मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर कायांग है ये बिल्कुल सही है यहाँ के फेस्टिवल तो फ्लार ऑफ द फेस्टिवल ऑफ उसको उख्यांग कहते हैं और जो डांस है उसको कायांग कहते हैं एंड द फर्स्ट वन इज द खुंड दे आर द मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा सो ये इनकरेक्ट है मार्शल पीपल ऑफ चंबा जो है उनको खुंड कहा जाता है इसकी वजह से सही आंसर क्या हो गया फर्स्ट एंड थर्ड हो गए राइट फिर हमारा अगला सवाल फिफ्थ क्वेश्चन अगेन ये आया आपका इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट जो डायरेक्टली उठा के पूछ लिया है तो पहला था इसमें से नॉन करेक्ट पूछा था जल जीवन मिशन के बारे में पहला स्टेटमेंट कहता था कि एचपी ने टारगेट किया है रूरल हाउस होल्ड को जहां पर हर घर जल होगा दैट इज फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी फैमिली बाई जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो हमने एक करंट अफेयर्स में पढ़ा था सेप्टेम्बर में तभी भी मैंने ये बताया था देन द सेकेंड वन वॉज सेवेंटीन पॉइंट टू एट लैख हाउस होल्ड एंड फिफ्टीन पॉइंट एट जीरो आर प्रोवाइडेड बाई एफ एच टी सी टिल्वेंटी ट्वेंटी वन फिर आ गया नेक्स्ट आपका 91 वन परसेंट हाउस होल्ड जो है वहाँ पर ऑलरेडी ये डोमेस्टिक कनेक्शन पहुंच गया है नेशनल एवरेज वेयर फोर्टी फाइव है फिर लास्ट वन इज की हिमाचल प्रदेश इज एट एट्थ पोजिशन इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग एफ इसमें से कौन सा सही यहाँ पर कौन सा गलत था तो यहाँ पे सारे के सारे ही करेक्ट थे अब अगेन ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे 90 91 परसेंट इस तरीके से ये जो है ना ये पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं तो आपका ब्रेन जो है थोड़ा सा फोर्स करता है बट अगेन इट वॉज अ टफ क्वेश्चन फिर आ गया हमारा अगला सवाल इसमें आपके पास में अगेन चार स्टेटमेंट है बड़े बड़े पहला स्टेटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड द स्टेट फॉर सिल्वी कल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ थ्री स्पीशीज इन एक्सपेरिमेंटल बेसिस दूसरा था कि हिमाचल प्रदेश में एरिया अंडर फॉरेस्ट है दैट इज थ्री स्क्वायर किलोमीटर फिर था कि अभी प्रेजेंटली जितना फॉरेस्ट कवर हिमाचल सपोर्ट करता है दैट इज थर्टी परसेंट और इसको हम बढ़ाना चाहते हैं बाय थर्टी फाइव परसेंट इन द ईयर ट्वेंटी थर्टी यहां पर आपके आ, सही स्टेटमेंट पूछा गया है पहले दो बिल्कुल सही थे आखिरी के दो जो है वो गलत थे इसका मेंशन कहा मिलता है हमें इसका मेंशन होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है एज वेल एज फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी किया गया है और करंट अफेयर्स में भी किया गया है पर अगेन ये सारा जो है आपका फॉरेस्ट वाले चैप्टर से उठाया गया है ठीक है सिल्वी कल्चर अगेन ये जो तीन इसमें स्पीशीज थी जिनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाना था इन रेंजेस पे दो हजार खैर चील और साल तो खैर तो लगता भी है हमारे अभी इसको ज्यादा जो है यहाँ पर उगाया जाए और फिर अगेन जब हम कवर की बात करते हैं सो इट वॉज टोटल इज थर्टी सेवन नाइन फोर सेवन स्क्वायर किलोमीटर अब कितना जोग्राफिकल कवर जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर है कितना परसेंट है तो दैट इज़ ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट ना कि थर्टी परसेंट जिसको हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं थर्टी परसेंट को अगेन ये इसका मेंशन आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो स्पेसिफिक फाइल है दृष्टि उसमें भी इसका किया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया कि इसको हम थर्टी परसेंट करना चाहते हैं बाय ट्वेंटी राइट फिर था हमारा अगला सवाल जी देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं एल बी ऑनेस्ट इनको पढ़ के आप चाहे जितना मर्जी जाओ ये नहीं होंगे आ, अगर आपने ये किए हैं तो आप बहुत ही बहुत ही ज्यादा लाइक इंटेलिजेंट है अदरवाइज दीज आर टफ वन आप इनको स्किप कर सकते हो क्योंकि आपका जितना दिमाग हॉक करेगा ना इतनी इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए इतनी देर में आप और बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो रादर देन गोइंग फॉर दीज काइंड ऑफ स्टैट्स लेकिन एनी करना तो है ही टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ एच पी ये सबको आता होगा नीचे वाले टफ थे दैट इज ओनली फाइव फाइव सिक्स सेवन देखते हैं हम लोग देन नेक्स्ट वन वॉज ऑपरेशनल ऑपरेशनल होल्डिंग्स सो दैट वॉज नाइन पॉइंट फोर फोर लैक्स क्टेयर देन इज एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर दैट वॉज नाइन पॉइंट नाइन सेवन एंड एवरेज जो हम होल्डिंग की बात करते हैं दैट इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव हेक्टेयर सो द करेक्ट आंसर वॉज सी इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक सर्वे के एक डब्बे में से ये उठाया गया है यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था वीअर्ड क्वेश्चन है अगेन सही गलत तो क्या होता है बट वियर्ड है जैसे कि फूड प्रोडक्शन पूछी है 2021 के ईयर में सो दैट इज 15.28 पॉइंट टू एट लाख मीट्रिक टन फिर आ गया प्रोडक्शन ऑफ पोटेटोज पूछी गई है दैट इज 1.97 पॉइंट नाइन सेवन टन एंड देन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स 18.61 पॉइंट लाख मीट्रिक टन एंड द लास्ट वन इज टारगेट ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वॉज सिक्सटीन लाख मीट्रिक टन इसमें करेक्ट क्या था इसमें थर्ड जो है वो नॉट करेक्ट है सो ए वॉज द करेक्ट आंसर अगेन जो आपके मेजर हमें टेबल्स देखने को मिलते हैं ये वो वाले हैं यूनिट्स आगे पीछे हुए हैं ये है आपकी टोटल फूड प्रोडक्शन देन इज पोटेटो आ गए वेजिटेबल्स आ गए ये जो वेजिटेबल्स वाला इनकरेक्ट किया है 18.67 लाख मीट्रिक टन होगा वेर एज यहाँ पर इसमें कितना दिया गया था दैट वाज 18.61 वन और सेवन का फर्क यहां पर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से यहां पर दिया गया है। फिर आ गया नेक्स्ट दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन ये टी के ऊपर है और यहां पर करेक्ट इसमें पूछा गया था पहला था कि टोटल स्टेट में फिफ्टी नाइन हंड्रेड टी ग्रोवर्स हैं। सेकेंड इज कि टी कल्टीवेशन कितने एरिया में की जाती है तो दैट इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हेक्टेयर थर्ड वॉज 2021 में जो टी प्रोडक्शन है हैज बीन 11.45 लाख किलोग्राम और इस स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इसमें 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है यहां पर सही आंसर वाज करेक्ट पूछे गए हैं सो वन थ्री एंड फोर सेकंड वन वाज इनकरेक्ट अगेन व्हाट इज सोर्स इकोनॉमिक सर्वे एन में जाना है तो इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ के जाना है स्पेसिफिकली पहली पहली चार लाइन्स इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन छोटा सा दो हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़ा था टी इंडस्ट्री में बहुत सारे मेंस के लिए पढ़ा था बट अगेन इन्होंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं पूछा ये पहली चार लाइन्स ही पूछी गई हैं कितने टी ग्रोअर्स हैं कितनी सब्सिडी दी जाती है कितनी प्रोडक्शन रही है कितना एरिया इसके अंडर है ट्वेंटी हेक्टेयर नहीं है टू हेक्टेयर हैं राइट नेक्स्ट इज इलेवेंथ क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन ये आपका करंट अफेयर्स में से था और गुड गवर्नेंस इंडेक्स के ऊपर ये पूछा गया था तो इसका पहला था कि हिमाचल सेकेंड टॉप परफॉर्मर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर uh, में ईयर 2020 थाउजेंड की ये बात की जा रही है जिसमें बिलासपुर का पहला रैंक था uh, फिर आ गया शिमला फिफ्थ रैंक पे था एंड हमीरपुर ने अपनी uh, जो पोजीशन है उसको फोर्थ रैंक पर वो लेके आया था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स में अगर आप पिछले बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि बिलासपुर आपका 2019 में आ, फर्स्ट प्लेस के ऊपर था जो 2020 में वो हमीरपुर हो गया पहले दो स्टेटमेंट्स इसमें इनकरेक्ट थे हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न स्टेट्स में दो कैटेगरीज में लाइक इसने बहुत अच्छा या टॉप परफॉर्म किया है वन वॉज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन वॉज सोशल वेलफेयर तो ये दो यहाँ पर एरियाज थे सो so, यहां पर सिंस इनकरेक्ट पूछा गया है तो वन एंड टू वॉज दी करेक्ट आंसर ये जो बाकी के दो हैं ये बिल्कुल यहां पर सही थे अगेन अगर आपको इसको याद रखना था सो तो मैंने उस वक्त भी बताया था इनको पैसा मिलता है इसमें ये जो आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसमें एक अच्छा खासा फंड दिया जाता है या अगर आप टॉप थ्री परफॉर्मर्स में से हो तो खूब सारा पैसा इसमें दिया जाता है जो कि हमीरपुर को इस बार मिला था. फिर था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन आपका बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड बैंक फाइनेंस आई थिंक सिक्स चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे पहली चार पांच लाइन्स जो है उठा के पूछ ली गई थी क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंसिस एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन द स्टेट फोर जीरो फाइव नाइन देन द नेक्स्ट वन वॉज स्टेट हैज नेटवर्क ऑफ डबल फोर डबल टू बैंक द नेक्स्ट वन वॉज कि शिमला इज द ओनली अर्बन सेंटर जो one, कि स्टेट क्लासिफाइड है बाई आरबीआई एंड द लास्ट वन की पी का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें फाइव थर्टी ब्रांचेस हैं हिमाचल प्रदेश में इसमें थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था बाकी सब इनकरेक्ट थे अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ ये है स्नैपशॉट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे फिफ्थ चैप्टर है और फिफ्थ चैप्टर में आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है नेशनल एवरेज ग्यारह हजार है जिसमें से हिमाचल में uh, हिमाचल में पर ब्रांच पॉपुलेशन कितनी है थ्री जीरो फोर फाइव नाइन ना कि फोर जीरो फाइव नाइन फिर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज अगेन डबल टू डबल फोर है ना कि डबल फोर डबल टू विच इज नाइन्टी सिक्स परसेंट इन रूरल एरियाज फिर आ गया पी एन बी इसका सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है लेकिन फाइव थर्टी नहीं है कितनी है थ्री फिफ्टी ब्रांचेज यहाँ पर है उसके बाद एस बी आई आता है देन यू को आता है सो अगेन फॉर नेक्स्ट एच एस एंड एंटी इकोनॉमिक सर्वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर नेक्स्ट था हमारा एक अगेन करंट अफेयर्स में से रफ्तार स्कीम के बारे में इसको हमने पढ़ा था इसमें इसके मेन ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे आई विल बी ऑनेस्ट जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें जो एक अलग सी स्टेटमेंट होती है वो अलग चमक जाती है क्योंकि इसमें अच्छी चीज जैसे इसका नाम है देखो कृषि विकास योजना ह्यूमिनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एजुगनेशन तो यूजुअली इसकी सारी स्टेटमेंट सही होती है कि इसमें हम फार्मर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं स्टोरेज मार्केट फैसिलिटीज देना चाहते हैं प्रोडक्शन को इनक्रीज करना चाहते हैं ये थोड़ा वेग था नो no डाउट ये थोड़ा सा हल्का सा वेग था यहाँ पर बट अगेन ये भी करेक्ट था कि सब स्कीम्स का जो फायदा है वो यहाँ पर उठाया जाए एंड द लास्ट वन वॉज स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रोनोरशिप तो इसका सही आंसर वॉज अगेन यहाँ पर पूछा गया है नॉट सो नन ऑफ दी अबव नन ऑफ दी अब मतलब ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसमें अलग से अलग स्टेटमेंट uh, अलग से चमक जाती है सो यू विल नोट या आप अगर बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आप वक्त लेके इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट था थर्टींथ क्वेश्चन <coughs> बस ये वही वाला क्वेश्चन है जो आप छोड़ देते हैं क्योंकि इतना अगेन डेटा याद करना नहीं है आप वहां पे और चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे बट अगर अगेन करना चाहते हो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस यहां पर आउटले पूछा गया था कि कौन से एरिया में कितना दिया गया था तो uh, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइट था एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड सोशल सर्विसेज। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये हैं स्नैपशॉट्स फ्रॉम दी अगेन इकोनॉमिक सर्वे के एकदम एंड में जाके बहुत सारे टेबल्स दिए होते हैं उनमें यह दिया गया था ट्रांसपोर्ट का टू सेवन टू फोर था देन सोशल सर्विसेज का आउटलेवॉज थ्री टू टू वन करोड़ और ये आपको मैंने याद भी करवाया था कि सोशल सर्विसेज का हम सबसे ज्यादा यहां पर आउटले को दिया गया क्योंकि मुझे लगा इस तरीके से जाएगा कि, uh, सबसे ज्यादा किसका है तो हम बोलेंगे यहां चला गया एंड द करेक्ट आंसर बिकेम दिस वन सो इस तरीके से आपका एनर्जी का कितना था तो एनर्जी का नाइन जीरो थ्री था एंड ट्रांसपोर्ट का तो हमने देखा है ट्रांसपोर्ट का कितना था टू तरीके से आपका आंसर बी हो जाता है फिर आ गया फोर्टीन क्वेश्चन दिस आर्ट एंड कल्चर पहला था कि ट्रेडिशनल काउंसिल्स ऑफ खाम्प या उनको क्या कहते हैं शुजम चुंगी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फिर आ गया नेक्स्ट की कॉमन टर्म फॉर विडो रीमैरिज इन पंगवाल इज डोगरी ये इनकरेक्ट था ये इनकरेक्ट क्यों था विडो री मैरिज को टोपी लाना बोलते हैं पंगवाल्स में वेरअस डोगरी इनकी नॉर्मल टाइप ऑफ मैरिज होती है लाइक बाय फोर्स इस तरीके से अलग अलग होती है ना लेकिन विडो री मैरिज नहीं होती उसको टोपी लाना बोलते हैं फिर आ गया थर्ड बुशहर स्टेट को माओ या मोने कहते हैं तो ये हमने शिमला में भी पढ़ा था और किन्नौर में भी पढ़ा था कि बुशहर के लोगों को तिब्बत वाले जो लोग हैं वो माओ कहते हैं या मोने कहते हैं देन द लास्ट वन कि भगवत पुराण में लिखा गया है कि किन्नर रेस किन्नर ट्राइब्स में Uh, जब आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा की शैडो में से किन्नर जो है यहाँ पर निकले थे so इसका सही आंसर क्या हो गया टू ओनली फिर था हमारा अगला सवाल आर्किटेक्चर uh, के ऊपर था इजी लेवल इसका इजी नहीं था दिस इज लाइक मोर ऑफ टू द साइड ऑफ वन और फिर यहां पर इनकरेक्ट वन पूछा गया था इनकरेक्ट वन पहला था कि सेंट एंड्रूज चर्च है चम्बा में इट कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टॉक स्कॉटिश आर्किटेक्चर नेक्स्ट वन वॉज की महेश लक्षणा देवी टेम्पल इंडो आर्यन नगर स्टाइल शिखर में बनाया गया है नेक्स्ट इज चंपावती टेम्पल इन चंबा इज बिल्ट ऑन ग्रे बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधारा एंड द लास्ट वन इज ब्रास आइडल ऑफ गॉडेस एट छत्र शक्ति देवी टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज इन कश्मीरी स्टाइल सो इसका यहाँ पर अगेन इनकरेक्ट पूछा गया है तो एक एक करके देखें अगर ब्रास आइडल की बात करें सो दिस इज डिफरेंट ये हमने मैंशन किया था क्योंकि कश्मीरी स्टाइल हिमाचल में बड़ा कम है जो कि जिसमें से ये एक है तो ये बिल्कुल सही है चंपावती टेम्पल यहाँ पर बुद्धिस्ट आर्ट हमें नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि चंपावती टेम्पल चंबा में बहुत पहले बनाया गया था साहिल वर्मन की बेटी थी उनकी बीवी जो है उनका नाम नैना देवी था फिर हम लोग क्या देखते हैं ये इनकरेक्ट है और सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड हेंस द आंसर बिकम सेकंड एंड थर्ड ओनली फिर आ गया हमारा अगला सवाल इस सवाल में चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जोग्राफी है पहला कि अबोर्ड ऑफ गॉडेस माथी या मठी ये चितकुल को कहा जाता है द लिविंग जोग्राफिकल म्यूजियम इज लिंगटी वैली एंड देन आगे आपका चसक भटोरी इज द हाइएस्ट विलेज ऑफ लाहौल वैली एंड द लास्ट वन वॉज दाइएस्ट पीक ऑफ किनर कैलाश मैसेफ इज Uh, आपका जोर कंदेन तो ये तो हमें बिल्कुल पता है ये हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था ये तो पता था अगेन ये वो वाली स्टेटमेंट है जो आपको कहीं नहीं मिलती अ लिविंग जोग्राफिकल म्यूजियम इज आपका लिंकटी वैली अगेन इसका जो इनकरेक्ट सेंस पूछा गया है ये वाला ही इनकरेक्ट था क्योंकि हम लोग जानते हैं लाहौल वैली में और बहुत सारे विलेजेस हैं हाइएस्ट विलेजेस हैं लेकिन ये विलेज आपका पांगी वैली का हाइएस्ट विलेज है वेर एज जो पहले ये आपका है ये बाकी की सारी सही है पिछले साल पूछा गया था कि व्हाट इज द मोस्ट रगेड ग्लेन वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश वो थी टिडोंग वैली वैसे ही इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं कि जोग्राफिकल म्यूजियम लिंगटी वैली सबसे लंबी लेंदीएस्ट वैली है हिमाचल प्रदेश की है ना फिर आगे हमारा अगला क्वेश्चन सेवनटीन्थ क्वेश्चन तो ये वो वाला सवाल है जो हर बार आता है लाइक महमूद गजनवी के ऊपर ज़रूर पूछा जाएगा कि उसने नगर कोट के किले पे कभी रेड की थी पहला था कि 1008 और 980 में की थी दूसरा था कि ह्यून शान सिरमौर में रहे थे जया गुप्तम के नाम से तीसरा था कि नसीरुद्दीन जो है ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड द लास्ट वन वॉज कि नगर फोर्ट तैमूर लंग के पोजेशन में रहा था वन तक ए तक तो so, पर क्या था यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट था दिस करेक्ट पूछा गया है तो one, के अंडर रहा था। बाकी के जो है यहां पर बिल्कुल सही है तो इस रेड के ऊपर सवाल हर बार पूछा जा पिछले एच में भी पूछा गया था फिर आ गया हमारा अगला सवाल इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया था और चार स्टेटमेंट थे आपके पास में पहला था कि बैटल ऑफ नदौन हुई थी राजा भीमचंद के बीच में और मुगल्स के बीच में फिर था बैटल ऑफ धलोग में राजा जनार्दन चंबा के हार गए थे देन नेक्स्ट वन वॉर्स कि uh, बैटल ऑफ भंगानी में गुरु गोविंद सिंह जी ने हरी चंद को हरा दिया था हिंदू के राजा उसको यहाँ पर मार दिया था एंड द लास्ट वन वॉर्स कि गोरखा डिफीटेड द कांगड़ा फोर्स इन मोरिया इन 1806 जीरो यहाँ पर सही आंसर क्या है

Since इसका मेंशन गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में किया है विचित्र नाटक में उन्होंने कहा था कि जो हरिचंद है हिंदू का राजा वो, वो तीरंदाजी में बहुत अच्छा था और उन्होंने सराया इस बात को और जब वो गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर बहुत सारे ऐसे बाण फेंकता है गुरु गोविंद सिंह जी बच जाते हैं सर्वाइव्ड और वो उसी तीर से जो है इसको मार यहाँ पर देते हैं और लास्ट वन जो है वो तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ही है तो नन ऑफ दी अब फिर आगे हमारा अगला सवाल नाइनटीन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है चार स्टेटमेंट्स पहला था कि कोक्सर ओल्ड ट्रेड रूट में आता है इंडियन प्लेन्स और वेस्ट एशिया के बीच में ये बिल्कुल सही है फिर आ गया कि ऑफ ऑफ शोज द द ट्राइब दैट वर्शिपर्स लॉर्ड विष्णु सो ये इनकरेक्ट है इनकरेक्ट क्यों है क्योंकि हमें कॉइन्स के ऊपर लॉर्ड शिवा उनके देखने को मिलते हैं और त्रिशूल भी कई कई जगह बनाया गया है जो कि कॉइन्स की हमें अगेन भूरी सिंह म्यूजियम में ये सारे जो कॉइन्स हैं वो रखे गए हैं फिर आ गया आपका कि जो uh, महाभारत है उसमें ओदम्बर्स का मेंशन किया गया है इन द नेम ऑफ सेज व्यास फिर लास्ट वन वॉज़ कि uh, ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं हिमाचल के उनको संघ जनपद कहा जाता है ये बिल्कुल सही है थर्ड वन वॉज इन करेक्ट सो वॉट विज द करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली जो मैंने आपको बताया फिर जन uh, संग जनपद की बात हम लोग करते हैं चार हमें यहाँ पर देखने को मिले ओदम्बर हुए uh, कुलंद वहाँ पर जो छोटे छोटे जनपद बने थे वो चार मेन थे ओदम्बर थे

बैनन वर द फर्स्ट यूरोपियन फॉर द कुल्लू विजिटेड कुल्लू इन 1820 एंड लास्ट वन दैट वाज के द आइडल ऑफ रघुनाथ जी वॉज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा जगत सिंह तो अगेन ट्राई टू डू इट विद डिडक्शन जैसे कि हमें पता है ये वाला बिल्कुल सही है रघुनाथ जी को दामोदर दास लेकर आए थे जब जगत राजा जगत सिंह क्योंकि स्टोरी से ये ज़्यादा याद रहेगा है ना तो अब क्या हुआ फोर्थ जो है वो तो ऑलरेडी करेक्ट है ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को अब हमें देखना है सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों है तो हमें पता है मूर क्राफ्ट वॉज द फर्स्ट वन फर्स्टीन ट्वेंटी में कुल्लू को जिसने विजिट किया था वॉज द फर्स्ट यूरोपियन अगर आपको ये सेकंड अगर पता भी नहीं है तो आपको पता चल जाएगा दैट द करेक्ट आंसर इज थ्री ओनली हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स की द फर्स्ट द पर्सन द फर्स्ट यूरोपियन वॉज मूर क्राफ्ट नॉट द एलेक्सेंडर का सो दैट इज़ इट अगेन बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है एग्जाम कैसा हुआ है बिकॉज यू हैव अपकमिंग एग्जाम्स इज़ वेल सो डू फोकस ऑन देम और अच्छे से पढ़िए एंड आई विश शो ऑल द वेरी बेस्ट